देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। IIT रुड़की में 23 और 25 मार्च को हुए तकनीकी महोत्सव में कोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने कई प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इससे संस्थान के प्रोफेसरों और छात्रों में खुशी का माहौल है। वहीं छात्रों ने बताया कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, इसलिए छात्र दिन रात मेहनत करते हैं और अपने मुकाम पर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी कोर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने IIT खड़गपुर को विभिन्न प्रतियोगिताओं में हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। संस्थान के निदेशक का कहना है कि छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए मेहनत में लगे हुए हैं, लेकिन संस्थान भी समय समय पर छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए प्रोत्साहन करता रहता है, इसलिए आज कोर कॉलेज का छात्र देश और दुनिया में संस्थान का नाम रोशन कर रहा है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से अली जैदी की रिपोर्ट। पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी NIT से IIT से थे, और जो सेकंड और थर्ड जो प्राइज मिला है वो IITs की टीम को ही मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने IIT में जाके IIT के बच्चों को हराया है, तो बहुत अच्छा लगा हमें। देखिए साहब, बच्चों के अंदर तो जहां भी हैं सब बच्चों के अंदर स्पार्क है, बट उनको फैसिलिटेट कितना कर पाते हैं। हमने तो यहां पे एक ऑब्जेक्टिव बना रखा है और अपने अंदर एक मिशन बना लिया है कि जो बच्चे के अंदर जो काबिलियत है, अभी हम यहां पे इंक्यूबेटर सेंटर्स बना रहे हैं, करीब 36 इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, जिसके अंदर हमारा टारगेट है कि एक साल में कम से कम हम 25 एंटरप्रेनर ऐसे बनाएंगे जो यहां से निकलने के बाद में अपना काम शुरू कर सके, उनको नौकरी के लिए कहीं घूमना ना पड़े। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।